अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ आप सारे ठीक होंगे, अच्छे से होंगे और खुश होंगे। और अभी इस टाइम मैं खड़ी हूँ अपने गुमांडियों के घर में, मतलब पड़ोसियों के घर में। यार मुझे ना दो दिन से व्लॉग बनाने का मन ही नहीं किया, और मन क्यों नहीं किया। वैसे तो आप सब लोग न्यूज़ तो देखते ही होंगे, हर एक घर में इंडिया के, वर्ल्ड के हर एक कोने में जो है न्यूज़ देखी जाती हैं। लेकिन दो तीन दिन पहले ना, मतलब दो तीन दिन मेरे ख्याल से हफ्ता हो गया, हमारे इंडिया में एक इतना गंदा इंसिडेंट हुआ है। मतलब डॉक्टर, जान देने वाला, जान हमारे जिस्म में रूह भरने वाला खुदा होता है, लेकिन एक जो डॉक्टर होता है वो वसीला होता है, हमारी जो तबीयत होती है उसको ठीक करता है। शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन जो डॉक्टर होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है हमारी ज़िंदगी में, हम लोगों की ज़िंदगी में। मतलब हम जब बीमार होते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, वो हमें मेडिसिन देते हैं, फिर हमें आराम आता है। मतलब एक डॉक्टर जो बनता है ना, तो वो कम से कम 5-6 साल अच्छे से मेहनत लगाता है, पढ़ता है, फिर वो डॉक्टर की मेडिसिन याद करता है, फिर उसको वो डिग्री मिलती है, फिर वो उस मुकाम तक पहुंचता है ताकि वो हम लोगों को, मतलब हमारी देखभाल कर सके, वो हम लोगों की सेहत का ख्याल रख सके। हमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, हमारा सिर भी दुखता तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमारे बाल जब गिरते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, हमें मतलब कुछ भी हो जाए, कांटा चुभ जाए तो भी हम डॉक्टर के पास जाते हैं। मतलब खुदा को तो हम याद करते हैं, लेकिन डॉक्टर भी वसीले होते हैं, मतलब हमें हर एक चीज़ से बचाते हैं, वो हमें गाइड करते हैं कि हमें ये चीज़ खानी चाहिए जो हमें ठीक लगेगी, हमें इस रास्ते पे चलना चाहिए, हमें इस चीज़ को आजमाना चाहिए, अपनाना चाहिए जो हमारी सेहत के लिए ठीक होगी, हमें वो मेडिसिन लेनी चाहिए जो हमें ठीक लगेगी, हमें वो खाना चाहिए जो हमें ठीक लगेगा। मतलब वो हमें हर एक बीमारी से बचने के लिए हमें अवेयर करते हैं, हमें चुकन्ना करते हैं। मतलब डॉक्टर का जो रोल होता है ना, मैं बोलती हूँ हर एक रोल से बढ़कर रोल होता है डॉक्टर का, क्योंकि डॉक्टर ही जान देने वाला वो अल्लाह होता है, लेकिन डॉक्टर क्या होता है, उसको बचाने के लिए अपनी दिन रात एक कर देता है। जैसे हम जब एक औरत माँ बनती है ना, तब भी डॉक्टर का बहुत बड़ा रोल होता है, क्योंकि वो एक बच्चे का ख्याल भी रख रहा होता है और एक माँ का ख्याल भी रख रहा होता है कि माँ भी ठीक से हो जाए और बच्चा भी ठीक हो। आप समझ सकते हो कि डॉक्टर की हमारी इस दुनिया में कितनी बड़ी अहमियत है। चाहे वो डॉक्टर हो, नर्स हो, मेडिसिन वाला हो, कुछ भी हो, कोई भी हो, डॉक्टर की अहमियत हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा है। हम अगर आर्मी में नौकरी कर रहे हैं या पुलिस में नौकरी कर रहे हैं, कोई भी नौकरी कर रहे हैं, अगर हम कभी बीमार होते हैं तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, हमें वहाँ चेकअप कराना पड़ता है, हमें उसकी मेडिसिन खानी पड़ती है जो वो बोलते हैं, फिर हमें जाके आराम आता है। क्योंकि हम लोगों को नहीं पता, हम लोगों को तो मेडिसिन का ABC भी नहीं आता है, जो हमें वो बोलते हैं हम वो खाते हैं तो फिर हमें आराम आता है। मतलब आप समझ सकते हो एक डॉक्टर की हमारी ज़िंदगी में कितनी बड़ी अहमियत है। इसी तरह एक इतना गंदा इंसिडेंट, इतना गंदा जो हादसा हुआ हमारे इंडिया में, एक मतलब एक ही लड़की माँ बाप की, मतलब डॉक्टर, उसने नीट क्लियर किया, फिर वो डॉक्टर बनी, अपनी ड्यूटी पे अपना फ़र्ज निभाने जाती। जैसे हम लोग माएँ अपना फ़र्ज निभाती हैं, अपने बच्चे को देखते हैं, अपने घर को देखते हैं, अपनी फैमिली को देखती हैं, इसी तरह वो भी एक डॉक्टर है, वो अपना फ़र्ज निभाने के लिए हॉस्पिटल जा रही थी, मतलब गई थी, अपनी ड्यूटी दे रही थी वो, तो रात को दरिंदों ने आके उसका इतने गंदे तरीके से उसका रेप किया है, तो मुस्तफ़ा अल्लाह। उसके बाद में मतलब कसम से मुझे 3 दिन नींद नहीं पड़ी कि ये डॉक्टर, यार एक डॉक्टर जो बच्चे की, एक बंदे की जान बचाने के लिए अपने दिन रात एक कर सकता है, उसको भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा है, उसको भी इस गंदे लोगों ने नहीं छोड़ा है, उसकी इतनी गंदी हालत की है बेचारी की कि वो मर गई। वो अपने माँ बाप की एक बच्ची थी, वो मर गई। अब उसका नाम मुझे नहीं आता, लेकिन क्या है कि आप सब लोग उसके बारे में जानते हो, हमारे इंडिया का इंसिडेंट है वो। एक इंडिया नहीं, उस लड़की के लिए पूरी दुनिया के लोग इकट्ठे हो चुके हैं। मर तो वो गई है, अच्छा वो मर गई है, इस गंदी दुनिया से वो चली गई है, क्योंकि इस दुनिया में एक वो नहीं, उसके बाद भी छोटी बच्ची जो स्कूल जाती हैं उनके साथ भी इंसिडेंट हो रहे हैं, रेप वाले, नर्स के साथ रेप वाला इंसिडेंट हो रहा है, कितनी सारी लड़कियाँ जो बोल भी नहीं सकती उनके साथ कितना जुल्म हो रहा है इस दुनिया के अंदर। चाहे एक हमारी कंट्री नहीं, कई कंट्री में ये सब कुछ हो रहा है, और हम लोग कुछ भी नहीं कर पा रहे, हम लोग कुछ भी नहीं कर रहे। एक डॉक्टर तक को नहीं छोड़ा, उस बेचारी की टांगें तोड़ दी, और इस तरह से उसकी हालत, उसके जो बाजू थे वो टूट के यहाँ आ चुके थे। आप सोच सकते हो, हम लोगों को ऐसे करने में प्रॉब्लम होती है, तो उसके बाजू तक तोड़ चुके हैं, उसकी टांगें तोड़ दी, उसकी टांगें इतनी बुरी तरीके से तोड़ी हैं, उसका इतना बुरा हशर किया है कि मैं बोल नहीं सकती हूँ। मतलब मैं 2 दिन से व्लॉग नहीं बना पाई कि मुझे वो चीज़ें जो मैं बार बार यूट्यूब खोलती हूँ तो मैं वो चीज़ देखती हूँ, भाई ये क्या हो गया, हमारी इंडिया में क्या हो गया, ये डॉक्टर को भी नहीं छोड़ा जा रहा। मैं क्या, मेरा इस टाइम व्लॉग बनाने का कोई मन नहीं था, मैंने इसलिए व्लॉग बनाया, मैं ये चाहती हूँ कि वो जो हथियार है, वो हथियार ही नहीं, वो जहन्नमी है,
वो जल्लाद हैं, वो दज्जाल हैं, वो क्या है, वो बुरी चीज़ है जो जो जिन्होंने उस डॉक्टर का रेप किया है, उस बेचारी का रेप किया है, इतनी गंदी तरीके से उसका रेप किया है। इससे पहले भी रेप किए लोगों ने लड़कियों की, वो भी उस तब भी हमारे इंडिया में कुछ भी नहीं, किसी ने कुछ नहीं बोला, बस 2-3 साल की सज़ा दी और उनको छोड़ दिया, और इस बार भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, प्लीज़ एक साथ जुड़कर उस बच्ची के लिए लड़ें, प्लीज़ उसके लिए लड़ें, क्योंकि मेरी भी बच्ची है, आपकी बच्चियाँ भी हैं, हम सब बच्ची हैं, हम सब औरतें, हमारे साथ भी ये इंसिडेंट हो सकता है। हम लोग भी पढ़ते हैं, हम लोग भी बाहर जाते हैं, बाज़ार जाते हैं, सब्जियाँ लाते हैं, अपनी फैमिली को देखते हैं, हमें भी बाहर जाना पड़ता है। ये ना हो कल ये हादसा हमारे साथ और हम भी बोल ना पाएँ। अगर हम आज नहीं बोलेंगे तो हम कभी भी नहीं बोल पाएंगे। तो हम लोगों को इकट्ठे होना है और इसके लिए हमने आवाज़ उठानी है। हम यही रिक्वेस्ट करते हैं अपनी इंडियन गवर्नमेंट से, ये रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीज़ उन कल्प्रिट्स को, उन रेपिस्ट को इतनी गंदी सज़ा दी जाए कि उनके गले काट दिए जाएं, उनको फांसी पे टांग दिया जाए, उनको कोई 5 साल की या उम्र भर की सज़ा नहीं दी जाए, उनको बस फांसी दी जाए, ताकि जो इसके बाद जो ये करने की कोशिश करे या सोचने की कोशिश करे तो उनका गंदा दिमाग ये सोच के काम जाए कि अगर हम ये ऐसी हरकत करेंगे तो हमारा ये हाशर होगा। प्लीज़ मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ, आप मेरे इस मैसेज को हर एक तक पहुँचाएँ, ताकि वो जो हथियारें हैं, वो जो कल्प्रिट्स हैं, उनको इतनी गंदी सज़ा दी जाए, ताकि इसके बाद हमारे इस इंडिया में कभी ऐसा इंसिडेंट ना हो। इतना खूबसूरत इंडिया है हमारा, और ऐसे लोगों की वजह से हमारा इंडिया तबाह हो रहा है, और ऐसे गंदे लोग जो बच्चियों को नहीं छोड़ते हैं। आज की न्यूज़ है कि बच्चियां जो नर्सरी में पढ़ती हैं उनके साथ गंदी हरकत की जाती है, उनके साथ रेप जैसा इंसिडेंट होता है। आज की न्यूज़ है ये कि बच्चियों को भी छेड़खानी का, मतलब छोटी छोटी बच्ची, उनको क्या पता कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। अब हमें तो पता है कि बैड टच और गुड टच क्या होता है, क्योंकि हम लोग जवान हैं, हम लोगों को इस चीज़ की सोच है। वो बेचारी बच्चियां जो कि 2-3 साल की होंगी या 4 साल की होंगी, उनको नहीं पता है कि गुड टच और बैड टच क्या होता है। मेरी खुद की बच्ची है, मैं उसको सुला के आई हूँ, मैं उसके सामने ये बात नहीं कर सकती, लेकिन मैं अब इस चीज़ से डर रही हूँ कि मैं अपनी बच्ची को स्कूल कैसे छोड़ूंगी, मैं कौन से स्कूल में छोड़ूंगी जिसको, जहाँ पे उसको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा। मैं तो बोलती हूँ हमारे स्कूल्स में भी ये चीज़ बच्चों को अवेयर करानी चाहिए कि गुड टच और बैड टच क्या होता है, ताकि टीचर्स भी बच्चों को ये चीज़ सिखा सकें, और बच्चे भी अगर ऐसी चीज़ उनके साथ हो रही हो तो वो अपने पेरेंट्स को बता सकें, वो शर्म ना करें, क्योंकि ये हादसा किसी के साथ भी हो सकता है। और मेरे से ही, मतलब मैं इस बारे में बात नहीं कर सकती, और आज पूरा इंडिया जो है उस बच्ची के लिए लड़ रहा है, उस लड़की के लिए लड़ रहा है जो डॉक्टर जिसने अपनी जान दे दी। मतलब वो अपने पेरेंट्स को बोलती है, मम्मा मैं जा रही हूँ, मेरा आज ड्यूटी है, मेरी नाइट ड्यूटी, मैं आपको सुबह मिलूंगी, और उस बेचारी की सुबह कभी हुई नहीं। उस बेचारी के साथ इतना बुरा हुआ, इतना बुरा हुआ। और जो ये लोग बैड कमेंट्स करते ना यार, बैड कमेंट्स करने वाले करते रहो, लेकिन इस चीज़ के लिए लड़ो यार, ये बहुत गलत हो रहा है। क्या हम लड़कियां अपना ख्वाब नहीं पूरा कर सकती? हम लोग कुछ नहीं कर सकती, हम लोग घर से बाहर नहीं जा सकती। बोलते हैं ना यार, जानवरों से डर नहीं लगता, जो जानवर जैसे कुत्ते बन गए, इंसान बन चुके हैं ना, उनसे डर लगता है। अब जानवरों से डरने की ज़रूरत नहीं है, अब जो ये कुत्ते फिर रहे हैं ना मर्द, जो लड़कियों के रेप करते हैं, अब उनसे डर लगने लगा है, अब जानवरों से डर नहीं लगने लगा है, क्योंकि जानवर तो शरीफ होते हैं, वो ऐसी हरकत नहीं करते। अब इंसान ऐसी हरकत कर रहे हैं, अब वो जो इंसान ऐसी हरकत करते हैं उनको मैं बोलती हूँ फांसी से भी बढ़कर सज़ा देनी चाहिए, जैसे अगर उनको बिल्कुल गोली से मार देना चाहिए। और प्लीज़ मेरी इस मैसेज को हर एक तक पहुँचाएँ। थैंक यू, और मैं आपसे कल बात करती हूँ। अल्लाह हाफिज़।